अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा कल से, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टीम के पास कि वो दूसरा टेस्ट मैच भी जीतें और इस सीरीज़ को जीतें। फर्स्ट टाइम होगा कि हम लोग साउथ अफ्रीका से कोई सीरीज़ जीतेंगे। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टीम के पास। जैसे पहले टेस्ट मैच में कराची में डोमिनेट किया, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नज़र आई, उस चीज़ को कैरी ऑन करने की ज़रूरत है। जैसे लाइक फवाद आलम ने शो किया, वो मुझे पता है कि वो अगली इनिंग्स की तरफ अब सोचेगा। जो कल से टेस्ट मैच शुरू होगा वो पिछली परफॉर्मेंस भूल जाएगा, इसलिए उसकी कामयाबी देखें, एवरेज देखें, मैच विनिंग नॉक देखें। डोमेस्टिक में अब इंटरनेशनल में वैसा डिलीवर कर रहा है। अजहर अली एक्सपीरियंस है, 50 के बाद पहली इनिंग में आउट हुआ था, दूसरी इनिंग में बड़ा ज़बरदस्त खेला। उसको अब ज़रूरत है कि शो करे, टीम को एक टेस्ट मैच जितवाए। जो मुश्किल कंडीशन होगी, ठंड भी होगी पिंडी में, इतना इजी नहीं होगा। फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प मिलेगी, जितनी मैं डोमेस्टिक भी खेला हूँ इंटरनेशनल भी खेला हूँ, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती रहती है। आपने लास्ट टेस्ट मैच भी देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा बॉल कैरी हो रहा था। तो एक चैलेंज है पाकिस्तान टीम के लिए, मौका भी है पाकिस्तान टीम के पास ये सीरीज़ जीतने का। ये टेस्ट मैच दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और पाकिस्तान टीम के पास जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना करें। बॉलिंग में नए बॉल पर एक लाइन पर बॉलिंग करनी पड़ेगी। आई डोंट नो हसन अली खेलता या नहीं खेलता, वो कल पता चलेगा। कुछ बात भी हो रही है कि हसन अली को मे बी रेस्ट करवा के ताबिश खान को या हारिस रऊफ को खिलाएं, तो लेट्स सी। वो तो कल जब टॉस होगा उस वक्त पता चलेगा, लेकिन विनिंग कम्बिनेशन मेरा नहीं ख्याल के चेंज करना चाहिए। अगर आपने चेंज करना भी है तो आपके पास देखें कि टॉप ऑर्डर में बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उन पे अब ड्यू है कि वो एक अच्छा स्टार्ट दें और ख़ुद भी इस प्रेशर से निकले और टीम को भी निकालें और लंबा स्कोर करके दें। नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए, इन लड़कों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आबिद अली जैसी उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, शो किया हुआ पिंडी में, तो वो अपनी फॉर्म दिखानी बड़ी ज़रूरी है आबिद अली को। पॉजिटिव माइंड रखें, देखिए फेलियर हर किसी के कैरियर में होते हैं, लेकिन उससे निकलना, अपने आप को उठाना, वो खुद ही मेरे ख्याल से कर सकता है प्लेयर्स। और आबिद अली को इस वक्त ज़रूरत है अपने आप को उठाने की और परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है, और ये मौका उसको फिर अगर मिलेगा तो ज़रूर उसको मेरे ख्याल से ये मौके अवेल करना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए, लंबा स्कोर करके दे। इमरान भट्ट का दूसरा टेस्ट मैच है, उसका फील्डिंग में बड़ी अच्छी एनर्जी रही है। अब पाकिस्तान टीम के पास उसी सूरत मौका अच्छा कि एक बड़ा टोटल लगाएं, बैट्समैनों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हर मैच में फवाद आलम या अजहर अली नहीं आपको करके देंगे, जैसे लास्ट टेस्ट मैच में करके दिया, तो अब दूसरों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बाबर आजम पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं, उसका काम है लंबा स्कोर करे। बाबर ने भी लास्ट टेस्ट मैच में इधर शो किया हुआ है, तो बड़ा ज़रूरी है कि एज अ बैटिंग यूनिट एक बड़ा टोटल करके दे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो कम बैक कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच आ रहे थे मिसबा की कैप्टनसी में, दूसरे में कम बैक किया, फिर जीते हैं। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को। एक पहले बारी आएगी, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहले बारी आएगी तो लंबा टोटल लगाना पड़ेगा 350-400, उसके बाद बॉलिंग में डिलीवर करना पड़ेगा। उनके पास डीन एल्गर, लेट्स सी कि वो खेलते या नहीं खेलते, फ्रैक्चर नहीं था, मेरे ख्याल से वो खेलेंगे। फिर समशी आ जाएगा, उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो बाहर हो जाएगा। ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है, और ये प्लेयर्स आएंगे और खेलेंगे भी अच्छा, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कम बैक करने की। जैसे रबाडा ने बॉलिंग की है, जैसे एनरिच ने बॉलिंग की है, नगीदी ने बॉलिंग की है, जैसे उनके पास एबिलिटी है पाकिस्तान टीम को आउट करने की। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम को नेगेटिव माइंड के साथ नहीं खेलना चाहिए कि हम लोग ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने जाएं, और इस फिर ऐसा माइंड आएगा तो पाकिस्तान टीम प्रेशर में रहेगी, ड्रॉ भी नहीं होगा, फिर पाकिस्तान के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव माइंड रखें, जैसे पहले टेस्ट मैच में पॉजिटिव माइंड रखा, जीते हैं। दूसरी इनिंग में वो अच्छी पोजीशन पे थे, बॉलर्स ने, यासर शाह ने जैसे बॉलिंग की है, जैसे नुमान अली ने बॉलिंग की है, तो वैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, खुले रन्स करने नहीं दिए, तो ये अच्छा साइन था पाकिस्तान टीम में।
फील्डिंग में बड़ी अच्छी एनर्जी थी, जान लगाई, रन आउट किए, कैचिंग बड़ी अच्छी हुई है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। इसी एटीट्यूड के साथ खेलना चाहिए पाकिस्तान टीम को। और पाकिस्तान टीम को मैंने कहा ना कि आप हारिस रऊफ का कह रहे हैं या ताबिश खान का, हसन अली को रेस्ट करवा के, अगर हसन अली फिट है तो मेरे ख्याल से हसन अली के साथ ही जाना चाहिए, रेस्ट करवाने की ज़रूरत क्या। अभी 1.5 साल के बाद तो टीम में आया, तो एक मैच के बाद आप रेस्ट करवा देंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, उसकी फिटनेस, उसकी फॉर्म, उसका रिदम कैसे आएगा, खेलेगा नहीं तो। तो ये चीज़ सोचने वाली है। फिर आप देखें कि आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, एक दो बैट्समैन कर रहे हैं, या आप प्रॉपर 6 बैट्समैनों के साथ जा सकते हैं, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ। ये मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन रहेगी, क्योंकि एक सपोर्ट मिल जाएगी बैटिंग लाइनअप को कि आप 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, 6 हो जाएंगे तो उनकी बॉलिंग ऐसी है कि आउट कर सकते हैं। तो ये अपनी टीम को मजबूत करने के लिए मेरे ख्याल से 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक प्रेशर होगा उनकी बॉलिंग पे, क्योंकि 6 बैट्समैन है, 7वां रजवान होगा। तो बनती तो यही साइड है, जैसे पिंडी की कंडीशन है, ठंडा वेदर है और सर्दी भी होगी, फील्डिंग करना भी इतना इजी नहीं होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान टीम को पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो कामयाब होंगे, तो अटैकिंग क्रिकेट से ही पहला टेस्ट मैच जीते हैं। अब पेशेंस के साथ बॉलिंग की है, वैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैंने इस सीरीज से पहले कहा था ट्रम्प कार्ड जो होगा, जो जिस पे डिपेंड करेंगे वो यासिर शाह है, तो उसने डिलीवर भी करके दिया पहले टेस्ट मैच में। उस पे अब जिम्मेदारी है कि वो अब मजीद पाकिस्तान टीम को आउट करके दे, साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को आउट करके दे, और मैच विनर स्पिनर्स आपके पास, उसको देखें कि कितनी अच्छी सपोर्ट मिली है। फिर नुमान अली को यासर शाह एक एंड पे कर रहा, नुमान अली कर रहा, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा साइन है। सिमिलर पिच होगी जैसे कराची में होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क वेदर का होगा, ठंड ज़्यादा होगी पिंडी में। तो ये देख के सामने रख के 11 बनाने पड़ेंगे। जैसे बातचीत चल रही थी मीडिया पे कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, वो तो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में रह के 4 फास्ट बॉलर नहीं जा सकते, जितना मर्जी घास हो। तो मेरे ख्याल से ये गलत बातें चल रही थी मीडिया पे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसा कभी सोचेगा 4 फास्ट बॉलर्स वाली क्रिकेट, अनलेस जैसे इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, तो इनके खिलाफ तो कभी भी नहीं सोच सकते, दूसरी टीमों के खिलाफ सोच सकते। लेकिन ये प्लानिंग परफेक्ट है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कि जैसे कराची में पिच थी वैसी पिच बनाई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है, लेकिन प्रेशर होगा पाकिस्तान टीम में, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है कमबैक करने की, जैसी बॉलिंग है उनके पास, जैसी बैटिंग है। अभी उनके पास 2 कप्तान, जो डुप्लीसी कप्तान रहा पहले वो फॉर्म में नहीं है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही यासिर शाह की, क्योंकि उस यासिर शाह बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। डीकॉक कप्तान है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैंने बैटिंग कैसे करनी है, एक उसने अपना नंबर ऊपर किया हुआ, ये देखना पड़ेगा कि उसने अब कैसे बैटिंग करनी है, कैसे अटैक करनी है, क्रिकेट अटैकिंग क्रिकेट कैसे खेलनी है, टीम को अच्छी पोजीशन पर कैसे लेके जाना है। तो उनके पास एबिलिटी है, ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को वही माइंडसेट रखना पड़ेगा जो कराची में रखा हुआ था, पेशेंस के साथ और अटैकिंग क्रिकेट, नेगेटिव थॉट के साथ नहीं जाना चाहिए इस टेस्ट मैच को, नहीं खेलना चाहिए कि हम लोग ड्रॉ कर जाए सीरीज जीत जाए, ये माइंड नहीं होना चाहिए। अब हर मैच जीतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के पास, अब मौका है, साउथ अफ्रीका फंसी हुई है, प्रेशर में है, तो जीतना चाहिए। दोनों टेस्ट मैच जीते हैं तो इससे अच्छी खुशी क्या होगी मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए और इस पूरी टीम के लिए, जैसे पहला टेस्ट मैच जीते हैं। ये सामने सोच रख के खेलना पड़ेगा और माइंड क्लियर रख के ना पड़ेगा कि हम लोग अब ऐसी टीम में जब आ जाए हाथ में तो जाने ना दें। तो यही मेरे ख्याल से बेस्ट प्लानिंग होगी पाकिस्तान टीम की, यही अप्रोच होनी चाहिए कि जीतना बस। तो गुड लक टीम पाकिस्तान, और कल मिलते हैं, क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है पहले दिन का। लेकिन यह है कि आपके पास स्पिनर्स फास्ट बॉलर दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा डिपेंड पाकिस्तान टीम स्पिनर्स पर करेगी, ख्याल रखिएगा।